अब देखना मैंने उनको बोला है कि स्पीड से चलाना है। हाँ जी बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई कंफर्मेशन नहीं, आवाज आ रही होगी, पहले बहुत टाइम वेस्ट हो गया। लेट स्टार्ट आवर लेक्चर। बेटे एनपीवी की हम बात कर रहे थे, आप में से किसी स्टूडेंट ने बात की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो थोड़ा सा रिवाइज करवा दें क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चले हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं और उसकी कैलकुलेशन को रिवाइज करते हैं। जनाब IRR ये क्या है? ये बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ये बेसिकली आपका ब्रेक इवन रेट है। ब्रेक इवन पॉइंट से अब आप वेल फैमिलियर हो बेटे। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। तो यहां पे IRR आपका एक ब्रेक इवन रेट है। और एनपीवी की लैंग्वेज में हम डिस्काउंट की लैंग्वेज में, टाइम ऑफ वैल्यू मनी की लैंग्वेज में प्रॉफिट को नाम देते हैं एनपीवी का। NPV is basically your discounted profit. Discounted profit means ये आपके पास present value है profit की। तो भाई अगर internal rate of return आपका break even rate है तो इस rate पे definitely आपकी NPV क्या होगी? Zero। अब एनपीवी कहाँ जीरो होगी? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है थ्रू इंटरपोलेशन मेथड। अब इंटरपोलेशन मेथड से IRR फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा, मैं यहां पे दोबारा से रिवाइज कर देती हूं। थ्रू इंटरपोलेशन IRR हम यूं फाइंड आउट करते हैं, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट प्लस माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर माइनस लोअर रेट। इसके लिए हम करते क्या है कि देखो बेटे, हम दो डिफरेंट रेट्स पे अपने प्रोजेक्ट की एनपीवी फाइंड आउट करेंगे। जब डिस्काउंट रेट वेरी करेगा डेफिनेटली एनपीवी भी वेरी करेगी। डिस्काउंट रेट अगर 10% पे आपने एनपीवी फाइंड आउट की है और वो आपके पास पॉजिटिव आ रही है तो हम क्या करते हैं कि जनाब हमें मालूम है कि डिस्काउंट के बढ़ जाने की वजह से रिमेनिंग अमाउंट कम हो जाता है। तो जैसे जैसे डिस्काउंट बढ़ जाएगा आपकी रिमेनिंग अमाउंट जो है एनपीवी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर 10% पे पॉजिटिव आया है, एक और रेट हम खुद से अज्यूम करते हुए लेट्स सपोज 20% पे एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। अब फर्ज कीजिए मैंने 10% पे एनपीवी फाइंड आउट की है, वो मेरे पास पॉजिटिव 2000 आ रही है, 20% पे कैलकुलेट की है तो जनाब वो मेरी -1500 हो गई हुई। इसका मतलब है मैं 10% पर डिस्काउंट करती हूं तो मुझे प्रॉफिट मिलता है, एनपीवी पॉजिटिव होती है। और जब मैं 10% की बजाय 20% पे चली जाती हूं तो वो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो जाती है, लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, एनपीवी 1500 से नेगेटिव हो जाती है। एनपीवी जीरो होती है प्लस और माइनस वैल्यूज के दरमियान में कहीं फॉल कर रही है। इसका मतलब है कि मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10 और 20% के दरमियान में। वो कितना रेट है उसके लिए ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और इसको यूज करने के लिए क्या किया जाता है, दो डिफरेंट रेट्स पे बेटे एनपीवी फाइंड आउट की जाती है। तो चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए आप अपनी बुक्स पे आइएगा, एग्जांपल नंबर हम 38 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 38 को सॉल्व करेंगे आपके बुक्स में, पेज नंबर 592 आपके बुक्स में, पेज नंबर 592 पे एग्जांपल है 38। इसमें देखो बेटे क्या दिया हुआ है, एक प्रोजेक्ट के रेलेवेंट कैश फ्लोज उन्होंने कैलकुलेट करके आपको दे दिए। वो कहते हैं कि जनाब ये प्रोजेक्ट है जिसकी जीरो टाइम पीरियड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 53,000 की।
फर्स्ट ईयर में ये प्रोजेक्ट आपको 53,000 की इन्वेस्टमेंट के एंगेज में फर्स्ट ईयर में जो कैश फ्लो प्रॉफिट देगा वो 17,000, सेकेंड ईयर में 25,000, थर्ड ईयर में 16,000 और फोर्थ ईयर में 12,000. अब जनाब उन्होंने इस प्रोजेक्ट की आपको एनपीवी 11% पे कैलकुलेट करके दे दी और वो कितनी है एनपीवी 2210. एनपीवी एट 11% इज 2210 और ये पॉजिटिव है. यस 2210 पॉजिटिव है. अब 11% पे एक बात याद रखिएगा, अगर एनपीवी पॉजिटिव है हमें एनपीवी जीरो चाहिए, इसकी वैल्यू को कम करना है. NPV को जब कम करना होता है तो बेटे हम सपोज्ड रेट बढ़ा लिया करते हैं, तो फिर क्या करेंगे 20% पे 15% पे हम जो है इसकी NPV को दोबारा से कैलकुलेट करेंगे. अब उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में 15% के डिस्काउंट फैक्टर्स आपको दिया. एग्जामिनर भी ऐसा ही करेगा, अगर IRR आपसे कैलकुलेट करवाएगा तो वो दो डिफरेंट रेट्स आपको देगा, उन दोनों डिफरेंट रेट्स के अगेंस्ट में डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट करके दी जाएगी. आपने क्या करना है, उन वैल्यूज की हेल्प से नेट प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी. जैसा ये देखो मैं आपके सामने करती हूँ, अभी 11% पे उसने एनपीवी कैलकुलेट करके दी हुई है. हम एनपीवी फाइंड आउट करेंगे एट द रेट ऑफ 15% एनपीवी फाइंड आउट करनी है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं एन 0, 1, 2, 3, 4 और उसके अगेंस्ट में उसने आपको कैश फ्लोज दिए हुए. 0 टाइम पीरियड में 53,000 की हमने इन्वेस्टमेंट करनी है. फर्स्ट ईयर में बेनिफिट 17, 25, 16 और 12, ये इन रिस्पेक्टिव ईयर में कैश फ्लो की फॉर्म में आपको रेलेवेंट प्रॉफिट्स मिल रहे. अब हमने क्या करना है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 15% के जो डिस्काउंट फैक्टर है उनसे मल्टीप्लाई करना है. जीरो टाइम पीरियड में हमेशा मैंने आपको बताया कि फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. ऑनवर्ड ईयर में ये फैक्टर उसने कैलकुलेट करके आपको दिए हुए होंगे, जिस तरह यहाँ इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में उसने दिए हुए, ये क्वेश्चन में देता है एग्जामिनर आपको. अदरवाइज प्रेजेंट वैल्यू टेबल भी आप अपने साथ लेके जा सकते हो. वो कितने दिए हुए, 0.87, 0.87, 0.756, 0.658 and 0.572. हम जनाब क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं कैश फ्लोज के साथ, आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज आएंगी. जस्ट टू सेव द टाइम ये वैल्यूज मैं क्वेश्चन से ही ले लूंगी. 1 से मल्टीप्लाई किया 53,000, 17,000 को 0.87 से मल्टीप्लाई किया 14,790, 18,900, 10,528 और 6,864. अब जनाब पॉजिटिव वैल्यूज में से उसने नेगेटिव वैल्यूज को माइनस किया तो एनपीवी आ रही है जनाब 1918 और वो नेगेटिव आ रही है. तो भाई 11% पे हम डिस्काउंट करते हैं तो एनपीवी पॉजिटिव आती है, हमें प्रॉफिट मिलता है. 15% पे जाके हम डिस्काउंट करते हैं तो एनपीवी नेगेटिव आ रही है और जो जीरो की एनपीवी की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली 2210 पॉजिटिव अमाउंट और 1918 नेगेटिव अमाउंट के दरमियान में कहीं फॉल करेगी. अब वो जीरो की वैल्यू जो फॉल कर एनपीवी जीरो होगा उसके अगेंस्ट में आईआरआर कितना होगा वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन रेंज हमारे सामने आ गई. जो आप दो डिफरेंट रेट्स पे एनपीवी निकालते हो, अगर एक रेट पे एनपीवी पॉजिटिव और दूसरे रेट पे एनपीवी नेगेटिव आए तो हमेशा याद रखिएगा उन दो रेट्स के दरमियान में आपका आईआरआर का आंसर आएगा. इसका मतलब है कि मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जहां पे वैल्यू एनपीवी की जीरो हो जाएगी वो 11% और 15% के दरमियान में हो. तो वो कितना होगा, उसके लिए जो मैंने वो फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो मैं वो यूज करूं. ये देखिए जनाब फॉर्मूला, आईआरआर के लिए आपने क्या लेना है, लोअर रेट. अब देखें 11% लोअर रेट है या 15% लोअर रेट है, 11% उसको मैंने सॉल्व करके लिखना है 0.11 प्लस NPV at lower rate. Lower rate पे 11% पे NPV मेरी कितनी है 2210. Okay जी. Divided by lower rate पे जो NPV है वो दोबारा से लिखनी है denominator में. Plus minus मैंने क्यों लिखा? Basically बेटे आपको यहाँ denominator में दोनों
जो नेट प्रेजेंट वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस लेना है. आपने 2210 और 1918 का डिफरेंस लेना है, और वो जो डिफरेंस है यहाँ, अगर एक अमाउंट पॉजिटिव और एक अमाउंट नेगेटिव हो तो डिफरेंस लेने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा. और अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव या दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हुई तो फिर डिफरेंस लेने के लिए हम माइनस करते हैं. जैसे फर्स्ट करो प्लस 10 और प्लस 12 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है. दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, डिफरेंस लेने के लिए आपने माइनस कर दिया. दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, माइनस 15 और माइनस 18, कितने का फर्क है, 3 का फर्क है. तो दोनों वैल्यूज के साइन अगर सेम हो, डिफरेंस लिया जाए, तो डिफरेंस लेने के लिए आप क्या करते हो कि जनाब उन्हें माइनस कर देते हो. लेकिन अगर एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो डिफरेंस लेने के लिए ऐड कर दिया जाता है. और अगर ये बात भूल जाए तो ये जहन में रखो कि जनाब ओरिजिनल फॉर्मूला में यहाँ माइनस ही है, और एक पॉजिटिव वैल्यू दूसरी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू का माइनस और फॉर्मूला का माइनस मिलके ऐड हो जाता. उसके बाद एनपीवी लेनी है आपको हायर रेट पे. हायर रेट है मेरा 15%, इस पे एनपीवी है 19-18. मल्टीप्लाई करना है आपको हायर रेट और लोअर रेट के डिफरेंस के साथ. हायर रेट है जनाब हमारे पास 15% 0.15 माइनस 11% 0.11. इनका डिफरेंस लेके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जनाब. हम देखते हैं IRR हमारे पास कितना आता है. पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे जनाब. 2210 प्लस 1918 ये अमाउंट आई. इस अमाउंट को क्या करेंगे, 2210 डिवाइडेड बाय आंसर. ये मेरे पास जनाब वैल्यू आती है 0.5353 ऑनवर्ड इनटू 15-11% का डिफरेंस कितना है, 4%, 104. अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 के साथ और इसमें ऐड करेंगे 0.11. तो जनाब हमारे पास इसका आंसर आता है 0.1314. परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए हम एन पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए जनाब 13.4% IRR है. 11-15% के दरमियान में आना चाहिए, इतना ही आ रहा है. तो इसका मतलब मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बिल्कुल ठीक है. तो जनाब ये हमने ब्रेक इवन रेट निकाल दिया. अगर आप 13.14% के डिस्काउंट फैक्टर निकाल के इस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालोगे वो ऑटोमेटिकली जीरो आएगी. ये हो गया हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. बेटे इन टेक्निक्स की हेल्प से जब हम डिसीजन लेते हैं तो जहन में क्या रखा जाता है, एनपीवी की बेस पे अगर डिसीजन लिया जाए तो बेटे हम उस प्रोजेक्ट को ऑप्ट करते हैं जहां एनपीवी जो है वो आपकी पॉजिटिव हो. और अस्सलाम वालेकुम मैम जी. वालेकुम अस्सलाम मैम जी. मैंने ये पूछना था, ये वाला तो ठीक है, यानी जब हमारे पेपर शुरू होने लगे थे उसके बाद सर ने एक ही फार्मूला हुआ था, जो इतना खपने की जरूरत नहीं, एक ही फार्मूला में हम पुट करते थे और वो निकाल के दे देता था रेट. मैम जी वो वाला रेट पूछ रहा था, ये वाला तो आता था, वो वाला रेट नहीं आ रहा था मुझे पेपर में भी. लगी समझ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वर्किंग बैक करके जो रेट निकालते वो तो वर्किंग बैक है, वो तो मैथ्स और स्टैट्स में आता है. यहाँ पे वो नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वो नहीं करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट आपने वर्किंग बैक नहीं करनी. इसमें आपको स्ट्रेट एनपीवी निकालनी और आईआरआर के फॉर्मूला में पुट कर दे. ओके मैम जी, ठीक हो गया. अब यहाँ मुझे ये आईआरआर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ याद आ गया भाई इस तरह पढ़ा हुआ है? यस मैम जी, ये याद था, वो वाला नहीं याद था, वर्किंग बैक वाला. चले कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो यहाँ पूछेगा भी नहीं, वो मैथ्स एंड स्टैट का पोर्शन होता है. अच्छा बेटे अब यहाँ पे देखो क्या है, इन टेक्निक्स की हेल्प से जब हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेते वक्त हम जहन में क्या रखेंगे. अगर एनपीवी की बेस पे आपको डिसीजन लेना है तो बेटे हम वो प्रोजेक्ट ऑफ करेंगे जहां हमें प्रॉफिट होगा. मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि नहीं है, उसके लिए बेटे एनपीवी शुड बी पॉजिटिव. एनपीवी बेसिकली क्या है, हमारा डिस्काउंटेड प्रॉफिट है, जो कि हम किस तरह निकालते हैं, जो बेनिफिट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और जो कॉस्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कंपैरिजन कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं. इसका मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम कॉस्ट में से प्रॉफिट को माइनस कर रहे हैं, कैश के इनफ्लोज में से कैश के आउटफ्लोज को माइनस कर रहे हैं. तो हमारा कैश फ्लो बेस ये प्रॉफिट है जो कि डिस्काउंट हुआ है. तो इसलिए जब एनपीवी की बेस पर डिसीजन लेते हैं, अगर एनपीवी पॉजिटिव होगी जिस प्रोजेक्ट की उसको ऑफ करेंगे, जिसका नेगेटिव होगा उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. आईआरआर की बेस पर डिसीजन किस तरह लिया जाता है, आईआरआर आपके इन्वेस्टर का वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है जहां पे एनपीवी जीरो आती है, लेकिन डेफिनेटली रिटर्न जो है वो आपके इन्वेस्टर को ज्यादा चाहिए होता है.
तो अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिल रहा है ब्रेक इवन करने के लिए वो आपके एक्सपेक्टेड रेट से ज्यादा है, आपकी कॉस्ट से ज्यादा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे. मतलब रिटर्न की बेस पे जब भी डिसीजन लेंगे रिटर्न ज्यादा होना चाहिए. समटाइम आपके सामने ऐसा डिसीजन भी आ जाता है, वो दो ऑप्शन देता है, एक ए प्रोजेक्ट है, एक बी प्रोजेक्ट है. जब एनपीवी को देखें तो ए प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा है, बी प्रोजेक्ट की कम है. आप कहोगे ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी हमें प्रोजेक्ट ए को ऑप्ट करना चाहिए. जब उन दोनों प्रोजेक्ट का हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला, वो ए प्रोजेक्ट का ज्यादा होने की बजाय बी प्रोजेक्ट का ज्यादा था, तो आप कहोगे आईआरआर की बेस पे बी को ऑप्ट करना चाहिए. अब जनाब यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगी कि जनाब फाइनल डिसीजन किसकी बेस पे हमें लेना चाहिए. ए प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा है, बी प्रोजेक्ट का रेट जो है परसेंटेज रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो ज्यादा है, हमें कौन सा ऑप्शन अवेल करना चाहिए. उसके लिए बेटे रिकमेंड किया जाता है कि एनपीवी आपका सबसे सुपीरियर मेथड है, ये तमाम फ्लोस पे बेस करता है और आपको जो आंसर देता है एब्सोल्यूट अमाउंट में आंसर देता है कि जनाब एब्सोल्यूट अमाउंट में वैल्यूज में आंसर देता है. फाइनल डिसीजन हमने हमेशा इसकी बेस पे लेना है. अच्छा बेटे फिर इसके अलावा वो थ्रेटिकली अगर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछता है तो और बात क्या पूछ सकता है, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है. तो एनपीवी की बात करें या आईआरआर की बात करें, इनके कॉमन एडवांटेजेस क्या हैं, ये दोनों मेथड्स रिकमेंड किए जाते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए, इसलिए क्योंकि ये दोनों टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं. दोनों में हम डिस्काउंटेड वैल्यूज की बेस पे डिसीजन लेते हैं, ये इनके कॉमन बेनिफिट्स हैं और इसलिए हम इन्हें लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं. अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, एस एच एनपीवी का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, सिर्फ एक है कि बेटे एनपीवी को अंडरस्टैंड करने के लिए मस्ट हैव द, अच्छा एक और एडवांटेज मेरे जहन में आया कि जनाब दोनों में हम रेलिवेंट कॉस्ट की बेस पर डिसीजन लेते हैं, इररेलीवेंट डाटा जो है वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आना चाहिए. और ये जो दोनों मेथड्स हैं रेलिवेंट डाटा की बेस पर डिसीजन लेते हैं, ये भी उनका प्लस पॉइंट हो गया. डिसएडवांटेज क्या है, आपको इन मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और जो मियां साहिबान होते हैं वो इतने एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड नहीं होते, उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं होता टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, तो उनको इन चीजों को प्रेजेंट वैल्यू को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है. और दूसरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो बेटे वो रेट फाइंड आउट करना इटसेल्फ कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम टेकिंग है. ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, वेल फैमिलियर हो इसके साथ, मैं डिसीजन मेकिंग की तरफ मूव करूंगी. अच्छा जनाब अब हमारा प्रॉपरली ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. अब तक हमने सिर्फ क्या है, कंपाउंड क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एन्यूटी और ये वो ये चीजें हमने आईआरआर एनपीवी डिस्कस किया. अब जनाब उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिस पैटर्न पे वो क्वेश्चन रेज कर सकता है. उसमें सबसे सिंपल एग्जाम्पल बुक में पेज नंबर 594 पे दी हुई है, इसे सॉल्व करते. एग्जाम्पल नंबर 42 आपकी बुक्स में पेज नंबर 594. इसमें क्या है, कहता है सोना लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन अ जॉइंट वेंचर, एंटायर कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट इज 175 मिलियन विच वुड रिक्वायर टू बी इन्वेस्टेड बाय एसएल लिमिटेड. सोना लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. जॉइंट वेंचर क्या है, जो टेम्पररी बेसिस पे पार्टनरशिप की जाती है किसी के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए. तो जनाब अब देखते हैं इनका पार्टनर कौन है. हम सोना लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करें और सोना लिमिटेड ने इस जॉइंट वेंचर में जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट 175 मिलियन की वो सोना लिमिटेड एसएल ने की है. और जॉइंट वेंचर में इनके जो पार्टनर है, इनके वेंचर पार्टनर है वो चांदी लिमिटेड है, वो सिर्फ आपको टेक्निकल सपोर्ट्स देंगे. तो भाई वो हमारे जॉइंट वेंचर को टेक्निकल सपोर्ट देंगे, काम करेंगे तो हम उसके अगेंस्ट में उनको सैलरी पे कर देंगे. ओके जी, और प्रॉफिट में से वो जो शेयर है वो हम उनको पे करेंगे. Other details of the project are estimated as follow. Project would extend over a period of 4 years. 4 years पे ये project based कर रहा है. Each year वो कहता है sales are estimated at 155 million per annum for the first 2 years and 65 million per annum during the last 2 years. आपको sales बता दी नहीं है. यहाँ पे हम suppose करेंगे कि जितने unit sale हुए उतना ही cash का outflow है, तो ये हमारे पास रेलेवेंट रेवेन्यू हो गया.
कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 50% और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अगर डेप्रिसिएशन होता भी तो निकाल देते तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन वो आपने सेल्स का 50% और 10% लेना है. CL would be entitled to a share equal to 5% of sales and remaining profit would belong to SL. SL ने क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है जनाब हमने क्या करना है 95% प्रॉफिट का शेयर SL ने रखना है अपने पास और जो 5% है प्रॉफिट का शेयर वो हमने CL को दे देना है. तो इस प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5% पेमेंट उसको हो रही है सेल्स के 5% वो आप समझ लीजिए कि SL के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट लाइक सैलरी एक्सपेंस है. At the end of the project, SL would be able to recover 100 million of the invested amount. आप जिस चीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये उसकी स्क्रैप वैल्यू है जो कि आपको फोर्थ ईयर के एंड में रिसीव होगी. Assume that all the cash flows other than initial outlays are arising annually in arrears. As we know, बेटे installments जो हैं, जो benefits हैं, वो year end पे भी हो सकते हैं, year start में भी हो सकते हैं. ऑर्डिनरी एन्यूटी भी हो सकती है और ड्यू एन्यूटी भी हो सकती है. तो नॉर्मली क्वेश्चन में हमेशा वो एज्यूम करवाएगा कि एरियर है जितने भी बेनिफिट्स हैं जितनी भी कॉस्ट है वो ईयर एंड पे इनकर्ड हो रही है. एग्जाम्पल रिलेट टू सोना लिमिटेड दैट इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर. हमें सोना लिमिटेड को बताना है कि भाई आपको CL के साथ चांदी लिमिटेड के साथ ज्वाइंट वेंचर का ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उसके लिए देखते हैं वो हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करने को कहता है. Joint venture partner चांदी लिमिटेड को और इन दोनों को हमें एडवाइस करना है. Company that will provide all necessary technical support will take a share of 5%. उसने already बता दिया है duration of the project 4 years and all the future expected cash flow with the timing. भाई साहब इस करना क्या है IRR तक जाना है जनाब हमें. तो इसका मतलब है कि जनाब हमें NPV निकालनी है. NPV निकालने के लिए क्या करेगा बेटे आपको relevant cash flow profit निकालना. इससे पहले जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और आप लोगों ने भी क्यूटी में पढ़े हुए ये जो मैंने कॉलम लिखा हुआ ना CF स्टैंड फॉर कैश फ्लो अब तक वो उसने कैलकुलेट करके दिया था लेकिन बेसिकली यही चीज हमें कैलकुलेट करनी होगी. यहाँ पे जो आपने कैश फ्लोस लेने वो बेसिकली कैश फ्लो प्रॉफिट्स लेने. प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जितने भी कैश फ्लो बेस्ड रेलिवेंट रेवेन्यूज होंगे उसमें से कैश फ्लो बेस्ड रेलिवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके माइनस कर दीजिएगा. आपके पास वो जो कैश फ्लो प्रॉफिट्स आ जाएंगे उनको हमने डिस्काउंट कर लेना है. तो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो क्वेश्चन आएगा ज्यादा वर्किंग जो है ज्यादा मार्क्स गेनिंग जो पोर्शन होगा वो यही कैश फ्लो की आइडेंटिफिकेशन होगी. आपको कैश फ्लो प्रॉफिट निकालना और वो देखो कितना आसान है रेलिवेंट फ्लोस को आइडेंटिफाई करना. Example 42. आज मैं फॉर्मेट को चेंज कर देती हूं ताकि दोनों फॉर्मेट की आपकी प्रैक्टिस हो जाए. 0, 1, 2, 3, 4. सबसे पहले कॉस्ट. इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है जनाब हम वो मेंशन कर लेते हैं. वो कॉस्ट देता है कि जनाब आपको 0 टाइम पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 175 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है. कैश का आउटफ्लो होगा आपने पेरेंथेसिस में मेंशन कर दिया. यहाँ इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में मैं क्या लिख रही हूँ कैश फ्लोस की अमाउंट को लिख रही हूँ. अब जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है जब इनिशियल कॉस्ट लिखोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखोगे साथ ही उसके आप लिख दीजिएगा अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन हुई तो वो साथ ही लिख दीजिएगा. और वो कहता है आपको 4 ईयर के एंड पे जो इस प्रोजेक्ट से स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होगी वो कितनी है 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको रिकवर हो जाएगी. और इन्वेस्टमेंट जो रिकवर होती है जो स्क्रैप वैल्यू हमें मिलती है प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड पे मिलती है मतलब 4th ईयर के एंड पे मिलेगी 100 मिलियन की रिकवरी हमें हो जाएगी स्क्रैप वैल्यू. वो साथ ही आपने नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन कर पॉजिटिव कैश के आउटफ्लोज को नेगेटिव और इनफ्लोज को पॉजिटिव. उसके बाद बेटा जी मैंने क्या करना है देखिए क्वेश्चन में वो बता रहा है आपको सेल्स रेवेन्यू और वो कितना है ईच ईयर वो हम उसने बताया है हमें वो है जनाब 155 फर्स्ट 2 ईयर्स में और लास्ट 2 ईयर में सेल्स कितनी बता रहा है आपको 65 मिलियन.
ये मैंने टोटल सेल्स की अमाउंट यहाँ लिख दी है सपोज करते हुए कि जनाब ये सेल्स रेवेन्यू की वो अमाउंट है जो हमें कैश में रिसीव हो चुकी, वही रेलिवेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने कैश के फ्लोज लिखने, क्रेडिट सेल्स तो नहीं लिख सकते हम, बल्कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के अंगेज में इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में जो कैश के फ्लोज हमें मिले हैं, इन फ्लोज मिले, हमने वो अमाउंट लिखनी होगी। इस चैप्टर में आपको ये बॉदर नहीं करना पड़ेगा, जब उसने सेल्स दी हुई है तो अंडरस्टूड बात होगी कि ये वो सेल्स हैं जो इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में आपको इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव हो रही। सेल्स रेवेन्यू में से अब मैंने क्या करना है, रेलिवेंट कॉस्ट जितनी भी दी हुई है वो माइनस करनी है, और उसने देखो क्वेश्चन में आपको बताई हुई है सीजीएस। अब एक्सपेंसेस लेते वक्त इररेलेवेंट एक्सपेंस अगर उसने बताया भी है तो वो आपने इग्नोर कर देना है। सीजीएस कितने परसेंट लेना है, वो कहता है सेल्स का 50%। ओके जी, जीरो टाइम पीरियड में तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट, बाकी और कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब मैंने सेल्स का 50% लेते चले जाना है, तो बेटा जी वो मेरे पास अमाउंट आती है 77.5 मिलियन। 65 का 50% लिया, वो मेरे पास बनता है 32.5 मिलियन। ये लीजिए सीजीएस ले लिया। सीजीएस के अलावा वो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता रहा है, उसकी भी परसेंटेज गिवन है कि वो आपने सेल्स का कितने परसेंट लेना है। वो जनाब वो कहता है सेल्स का 10% लीजिए, ठीक है, सेल्स का 10% 15.5 इन एक्सपेंसेस के अंगेज में कैश का आउटफ्लो होता है, इसलिए नेगेटिव लिख दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दिए। इसके अलावा आप जनाब अपने को पार्टनर को 5% जो पे कर रहे हो वो भी पे करना है, वो भी आपने माइनस कर देना है। CL को आप सेल्स का 5% पे कर रहे हो, 155 का 5% 7.75, 3.25। इसके अलावा देखो कोई और कैश का आउटफ्लो अगर क्वेश्चन में गिवन हो, नहीं, इनके अलावा कोई भी और फ्लो हमें गिवन नहीं है। अब बेटे आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को नेट ऑफ कर लेना है, आपके पास नेट कैश फ्लोस आ जाएंगे जिनको हमें डिस्काउंट करना होता है। जीरो टाइम पीरियड में कितना आ रहा है, 175 नेगेटिव। फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है जनाब, 155 माइनस 77.5 माइनस 15.5 माइनस 7.75। तो जनाब फर्स्ट ईयर में जो नेट फ्लो है वो पॉजिटिव मुझे मिल रहा है 54.25 का। उससे नेक्स्ट ईयर में भी अमाउंट सेम है, यही हो जाएगा 54.25 मिलियन। उससे नेक्स्ट ईयर में 65 माइनस 32.5 माइनस 6.5 माइनस 3.25, ये जनाब मेरे पास आ रहा है 22.75। लास्ट ईयर में भी ये है प्लस 100, वो जो स्क्रैप वैल्यू है, तो 122.75। अब लीजिए आपके पास रेलेवेंट कैश फ्लोज आ गए, इनको डिस्काउंट फैक्टर लगाकर इनकी आप प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिएगा। पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यूज में से नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यूज को माइनस करोगे, आपके पास एनपीवी आएगा, वो पॉजिटिव हुआ तो उसकी बेस पे उनको ओके कह दीजिएगा, नेगेटिव हुआ तो कहिए भाई साहब बाय बाय कह दें सीएल को, हम इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन नहीं कर। और अगर आईआरआर मांगे तो क्या करना है, नेट कैश फ्लो तो एक दफा आपने निकाल लिए 175 नेगेटिव, फिर उसके अंगेंस्ट में 54.25 ऑनवर्ड ये पॉजिटिव है। एक दफा जो उसने दो रेट्स दिए होंगे, दोनों रेट्स पे आप उनकी एनपीवी निकाल कर इंटरपोलेशन के फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आपके पास डायरेक्टली आईआरआर आ जाएगा। अब मैं आप स्टूडेंट्स की तरफ वापस आ रही हूँ, बताइएगा यहाँ तक मेरी बात को फॉलो किया, आईआरआर इस क्वेश्चन का आ सकता है, कोई इशू है तो पूछ लीजिए। नो मैम, क्लियर है बेटे, यहाँ तक तो ईजी है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों के लिए न्यू हो। यस मैम, ठीक है, आप भी आदत नाम घबराए हुए, बाकी स्टूडेंट किधर हैं, एक तो 25 की स्ट्रेंथ सिर्फ शो हो रही है। नहीं मैम, घबराए हुए नहीं हो, बस वैसे ही आज एसी खराब है ना कमरे का।
अच्छा, उससे भी इशू होता है तो वो मेरी क्लास लेट हो गई है, वो सारी प्लानिंग जो की होती है वो गड़बड़ हो जाती है कि आज पढ़ाना क्या था और क्या कर रहे हैं। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट जनाब अगर जाग रहे हो रेज योर हैंड, कैन यू कैलकुलेट IRR फॉर दिस क्वेश्चन? ओके जी, ठीक हो गया। अब जनाब हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को, बाकी सारे पॉइंट्स न्यू हुए वो मैंने बहुत स्लोली आपके साथ डिस्कस करने जो नए पॉइंट्स हैं। इसमें जनाब अब हमने मुख्तलिफ चीजों की एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स इन कैश फ्लोस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में किन किन चीजों की एडजस्टमेंट्स जो है वो आपने सीखनी है, वो मैटर करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जनाब। एक तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट देना सीखेंगे, दूसरा हमने टैक्स इफेक्ट्स लेने, इन्फ्लेशन की अभी मैं बात करूंगी आपके सामने। बेटे दो तरह का इन्फ्लेशन यहां अकाउंट फॉर होगा, एक होता है जनरल इन्फ्लेशन और एक होता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। बेटे जो जनरल इन्फ्लेशन है सेम रेट फॉर ईच एलिमेंट, जो कॉमन रेट होगा तमाम एलिमेंट्स के लिए एक सिंगल रेट है, अगर वो कॉमन इन्फ्लेशन रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो जर्नल। और अगर हर एलिमेंट डिफरेंट रेट से फ्लक्चुएट कर रहा है, सेल्स रेवेन्यू पे इन्फ्लेशन के इफेक्ट का रेट कुछ और है, वेरिएबल कॉस्ट किसी और रेट से बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट किसी और रेट से बढ़ रही है, बाकी वैल्यूज पे इन्फ्लेशन के रेट्स कुछ और रहे हैं, तो अगर इन्फ्लेशन आ रही है जर्नल प्राइसेस में जो इंक्रीज आ रहा है उसका इफेक्ट हर कंपोनेंट पर डिफरेंट है। जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखा वो बताता है वेरिएबल कॉस्ट को इतने परसेंट बढ़ा दो, वेरिएबल कॉस्ट 8% बढ़ाई है, सेल प्राइस 10% बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट 5% बढ़ रही है, तो डिफरेंट रेट्स हैं। अगर हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट रेट है तो वो जो इन्फ्लेशन होगी उसे स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कहते हैं। अब बेटे जर्नल, अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जर्नल इन्फ्लेशन दी हो तो इसको अकाउंट फॉर करने के दो मेथड्स होते हैं। वो दो मेथड्स क्या हैं? एक है रियल रेट मेथड और एक है नॉमिनल रेट मनी रेट मेथड। अब ये मेथड क्या है ये मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगी। और जिन क्वेश्चन में सिर्फ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन या जर्नल प्लस स्पेसिफिक इन्फ्लेशन दी जाए, या इसको यूं जहन में रखिए जब अगर तो क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल इन्फ्लेशन है तो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अडॉप्ट करो, रिजल्ट शुड बी सेम। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन स्पेसिफिक दी हुई है, इररिस्पेक्टिव के जर्नल इन्फ्लेशन क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन उसने आपको क्वेश्चन में दे दी, फिर हम एक ही मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, मनी रेट मेथड अप्रोच। अब ये रियल रेट और मनी रेट्स हैं क्या, फिर हम इनकी मेथड्स की तरफ चलेंगे। बेटे रियल रेट और मनी रेट ये दोनों कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिससे हमने अपने कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना होता है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स को लेकर हमने प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, ये वो रेट है जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, फर्क क्या है? वो भी इंटरेस्ट का रेट है, ये भी इंटरेस्ट का रेट है, डिफरेंस सिर्फ ये है जो रियल रेट है उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट द इफेक्ट ऑफ
जनरल इन्फ्लेशन। एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक और जनरल इन्फ्लेशन दोनों गिवन हो तो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जिस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना होता है वो बेटा एक जनरल इन्फ्लेशन होती है। हम कभी भी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को रेट में एडजस्ट नहीं करते, इसलिए मैंने सिंपल इन्फ्लेशन का टाइटल लिखने की बजाय पहले ही लिख दिया जनरल इन्फ्लेशन। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जनरल इन्फ्लेशन का आपने इफेक्ट नहीं लिया हुआ तो वो फिर आपके पास जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट होगा वो रियल रेट होगा, और अगर आप उसमें जनरल इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हो तो वो बेटे आपके पास मनी रेट होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद द इफेक्ट ऑफ जनरल इन्फ्लेशन। रियल रेट अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो आपसे मनी रेट की कैलकुलेशन रिक्वायर करेगा, और अगर मनी रेट देगा देन आपको रियल रेट कैलकुलेट करना होगा, वर्किंग बैक करनी होगी। ये रेट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सी अप्रोच मैं आपके सामने लिखूंगी। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1 प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई। अब इसमें मैंने जो एब्रीवेशन यूज की है वो किसके लिए यूज की है, जो स्मॉल m मैंने एब्रीवेट किया है वो एब्रीवेट कर रहा है मनी रेट, स्मॉल r रिप्रेजेंट करेगा रियल रेट को एंड स्मॉल i फॉर इन्फ्लेशन रेट। सपोज वो क्वेश्चन में आपको बताता है कि जनाब रियल रेट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 10% एंड जनरल इन्फ्लेशन इज 20%, देन कैलकुलेट द मनी रेट। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, देखिए 1 प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस आर रियल रेट जो कि 10% है इनटू 1 प्लस आई जो कि जर्नल इन्फ्लेशन है। इस इन्फ्लेशन रेट के साथ लिख लीजिए, ये अंडरस्टूड बात होगी कि जनाब रेट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं वो हमेशा जर्नल इन्फ्लेशन रेट होगा। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट जो है वो कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करेगा, उसका रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जनाब ये 20% है, 0.2 लीजिए, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ये जनाब 1.1 × 1.2 और मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जनाब मनी रेट आ जाएगा 1.1 × 1.2 माइनस 1 किया इंटू 100 किया तो जनाब मेरे पास जो मनी रेट आ रहा है वो 32% है, और डेफिनेटली वो आपका रियल रेट से ज्यादा होगा क्योंकि उसमें 20% का हमने इन्फ्लेशन इफेक्ट देना। तो जनाब प्लान किया था कि हम इसको यहाँ वाइंड अप करेंगे, हमें क्लास लेट मिली, इट्स ओके, सर आ चुके हैं, उनका मजीद टाइम नहीं लेंगे इंशाल्लाह, इस पे कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से और उसमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ बेटा।